हेलो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर एक थीम यहाँ पे ओपन है जिसका नाम है न्यूज़ मैक। काफ़ी लोग इस थीम को यूज़ कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा थीम है। आज के इस वीडियो में मैं इसी थीम को लाइव आपके सामने बाय करूँगा और साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बताऊँगा कि कहाँ से आप बाय करें, कौन सा इसका ऑफिशियल साइट है और कहाँ पर आपको ये थीम मिलेगा। ये सब सारी चीज़ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी और साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊँगा कि आप कौन से पेमेंट मेथड को यूज़ करेंगे। अगर दोस्तों आप लोग जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को हमेशा की तरह यही कहूंगा, अगर दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप हमारे लेटेस्ट वीडियो का लुत्फ सबसे पहले उठा पाए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कहां से आप लोग न्यूज़ मैक वर्डप्रेस का थीम को बाय करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि न्यूज़ मैक थीम ही हम यहां पे क्यों बाय करने वाले हैं। अगर दोस्तों आप लोग नहीं जानते हैं न्यूज़ मैक के बारे में तो इसके बारे में दोस्तों आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। ये काफ़ी पॉपुलर थीम है और इसे आप मल्टीपर्पज़ पे यूज़ कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस तरह का भी आप यहाँ पर वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हैं आसानी के साथ आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं इसका थोड़ा सा यहाँ पर डेमो दिखा दूँ। जिस तरह का भी आप साइट क्रिएट करना चाहते हैं इस थीम को यूज करके बहुत ही आसानी के साथ आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं मूवी वाला भी बनाना चाहते हैं, जो भी आप चाहते हैं, जैसा भी आप डिज़ाइन करना चाहते हैं बहुत ही आसानी के साथ आप डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आप लोग पर्सनल ब्लॉग भी क्रिएट करना चाहते हैं तो भी दोस्तों इस थीम को आप बहुत ही आसानी के साथ यूज़ कर सकते हैं। अब थोड़ा सा ये भी जान लीजिए कि इस थीम को जो अभी हम बाय करने वाले हैं ये कौन से साइट के लिए हम बाय करने वाले हैं और कहाँ यूज़ करेंगे। जैसा कि फ्रेंड आप लोग जानते हैं हमारा साइट है technologytipsisrael.com, जिसके ऊपर आप बराबर विजिट करके देखते रहते हैं। यहाँ पे दोस्तों बाय डिफ़ॉल्ट थीम लगा हुआ है जो कि दोस्तों हमारी वेबसाइट की खूबसूरती को तबाह कर रहा है, यानी ख़त्म कर दिया है। इसीलिए दोस्तों हम यहाँ पर कस्टम थीम लगाने वाले हैं, वो भी दोस्तों पेड। मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा कि आप किसी भी तरह का फ्री और नूल थीम को यूज़ ना करें। अगर आपके पास बजट नहीं है, आप थीम लेना नहीं चाहते हैं या आप थीम नहीं ले सकते हैं तो वर्डप्रेस का बाय डिफ़ॉल्ट थीम भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसको सही तरीके से कस्टमाइज आप करें। अब साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं इसराइल भाई आप कौन से होस्टिंग को यूज़ कर रहे हैं। जैसा कि फ्रेंड आप लोग जानते ही हैं कि हम रीसेलर क्लब के होस्टिंग को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि हम रीसेलर क्लब का कौन सा होस्टिंग प्लान यूज़ कर रहे हैं। जैसा कि फ्रेंड हमने यहाँ पे आपको दिखाया, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो प्लान है ये क्लाउड होस्टिंग है, वो भी क्लाउड का, यहाँ पे बिजनेस क्लाउड है। यहाँ पे दोस्तों हम अनलिमिटेड डोमेन को होस्ट कर सकते हैं, बहुत पावरफुल होस्टिंग है और यहाँ पर आप लोग अपने साइट को होस्ट कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा आपको रिस्पॉन्स भी मिलता है। और साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि रीसेलर क्लब का जो आपको सपोर्ट जो दिया जाता है बहुत ही अच्छा सपोर्ट दिया जाता है, आप रात में किसी भी टाइम कॉल कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों बात रही कि होस्टिंग कैसे बाय करेंगे। अगर दोस्तों आप लोग होस्टिंग बाय करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। आप लोग शेयर होस्टिंग अगर लेना चाहते हैं तो यहाँ पर दोस्तों 2000 से 2500 में आपको अनलिमिटेड डोमेन के ऊपर शेयर होस्टिंग मिल जाएगा। अगर दोस्तों आपका वेबसाइट बड़ा है तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगा कि आप लोग यहाँ पर रीसेलर क्लब का क्लाउड होस्टिंग यूज़ करें ताकि दोस्तों आपके वेबसाइट के ऊपर किसी भी तरह का इफेक्ट ना पड़े। अगर दोस्तों आप लोग सिंपल सा ब्लॉग जैसे हमारा जो है technologytipsisrael.com, अगर इस तरह का ब्लॉग क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको क्लाउड होस्टिंग लेने की ज़रूरत नहीं है, आप शेयर होस्टिंग से भी काम चला सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि आप इस थीम को कहां से बाय करेंगे। सिंपली दोस्तों इस थीम को बाय करने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पे इसका डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा, डायरेक्टली आप लोग यहां पे पहुंच सकते हैं। अगर दोस्तों आप लोग इस साइट के ऊपर डायरेक्ट जाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साइट का URL themeforest.net, इसके ऊपर विजिट करने के बाद आपको सर्च कर लेना है न्यूज़ मैक। जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पर सर्च करोगे तो आपके सामने ये थीम ओपन हो जाएगा और आपको इसे ओपन कर लेना है।
अब साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस थीम का जो प्राइस है काफ़ी हाई प्राइस है, लेकिन दोस्तों ये थीम बहुत ही अच्छा थीम है। इस थीम का दाम यहाँ पे आपको $49 देखने को मिल रहा है, जब आप पेमेंट करोगे तो ये $51 हो जाएगा, लगभग यहाँ पे आपको 3500 के आसपास पड़ने वाला है। अब साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब आप लोग इस साइट के ऊपर विजिट करेंगे, विजिट करने के बाद दोस्तों अगर आप लोग थीम बाय करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पे आपको साइन इन का बटन देखने को मिल रहा है, इसके ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पे क्रिएट अकाउंट यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी डालने के बाद आप यहाँ पे साइन अप कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप लोग यहाँ पे साइन अप नहीं भी करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप जैसे ऐड टू कार्ड करोगे, करने के बाद दोस्तों आपको साइन अप करना ही होगा। अगर दोस्तों यहाँ पे आपके पास पहले से अकाउंट है तो डायरेक्टली आप यहाँ पे लॉग इन कर सकते हैं। तो हमारे पास पहले से अकाउंट है, चलिए मैं अपने अकाउंट में लॉग इन हो जाता हूँ, उसके बाद यहाँ पे मैं फटाफट बाय करता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं हम लॉगिन हो चुके हैं अपने अकाउंट में। यहाँ पे आपको हमारा कहने का मतलब है कि अकाउंट आईडी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब सिंपली दोस्तों हमें यहाँ पे ऐड टू कार्ड के ऊपर करना है क्लिक। जैसे ही दोस्तों हम यहाँ पे करेंगे तो हमारे सामने एक पॉपअप विंडो ओपन हो जाता है। अब सिंपली हमें गो टू चेकआउट के ऊपर करना है क्लिक। जैसे ही दोस्तों हम यहाँ पे करेंगे तो ये पेज यहाँ पे रिडायरेक्ट हो जाएगा और हमने पहले से अपना सारा कुछ यहाँ पे भर के रखा हुआ है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपको अपना बिलिंग एड्रेस वगैरह यहाँ पे डालना होगा, अगर दोस्तों आपने नहीं डाला है तो आप यहाँ पे डाल लेंगे, सही सही एड्रेस आप यहाँ पे फिल करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का यहाँ पे इंटरफेस मिलेगा और यहाँ पे दोस्तों आप लोग वीज़ा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। सेकंड पेमेंट है पेपाल, अगर दोस्तों आप लोग नेपाल वगैरह से हैं तो आप इस पेमेंट को यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपली दोस्तों हमारे पास पेपाल अकाउंट है तो हम यहाँ पे पेपाल से पेमेंट करने की कोशिश करते हैं। अगर दोस्तों आपके पास मास्टर कार्ड वगैरह है तो आप यहाँ पे वीज़ा और मास्टर कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से भी आप पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों इंडियन डेबिट कार्ड यहां पे काम नहीं करेगा। मैं आपको पहले ही बता दूं, आपके पास आईसीआईसीआई बैंक का क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड जिसमें आपको मास्टर कार्ड वगैरह लिखा हो वही कार्ड यहां पे सपोर्ट करने वाला है। तो चलिए हम लोग पेपाल के ऊपर करते हैं क्लिक। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का यहाँ पे इंटरफेस देखने को मिलेगा। जैसा कि फ्रेंड हमने आपको कहा था कि भाई आपको $51 यहाँ पे देना होगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं $51 आपको यहाँ पे देना होगा। तो चलिए हम लोग चेकआउट विथ पेपाल के ऊपर करते हैं क्लिक। क्लिक करने के बाद दोस्तों ये पेज यहाँ पे रिफ़्रेश हो रहा है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। ये पेज जैसे ही रिफ़्रेश होता है मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा पेपाल का यानी अकाउंट यहाँ पे बोला जा रहा है लॉगिन करने के लिए, तो चलिए हम यहाँ से लॉगिन कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा पेपाल का अकाउंट यहाँ पे सिक्योर लॉगिन हो रहा है। अब यहाँ पे दोस्तों हमें अपना कार्ड नंबर वगैरह यहाँ पे डालना होगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा कार्ड पहले से डाला हुआ है और यहाँ पे मुझे जो प्राइस देना पड़ रहा है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 3703.77 रुपया आप यहाँ पे देख सकते हैं, यानी एक रुपया जो है 0.01 ऐसे कुछ यहाँ पे पड़ रहा है। आप जैसे ही आप यहाँ पे पहुँचोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस नहीं मिलेगा, आपको अपना यानी मास्टर कार्ड वगैरह आपको ऐड करना होगा। अगर दोस्तों आपने पेपाल में अपना डेबिट कार्ड वगैरह को ऐड करके रखा हुआ है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्टली आप इस पेज पे पहुंच जाओगे। अगर दोस्तों आपने ऐड करके नहीं रखा है तो आपको यहाँ पे ऐड करना होगा, उसके बाद दोस्तों आपको इस तरह का यानी इंटरफेस मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पे हम पे नाउ के ऊपर करते हैं क्लिक। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि पेमेंट जो है हमारा सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। जैसा कि फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा पेमेंट यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है और मुझे एक ईमेल भी इन्होंने भेजा है, आपको वहाँ से कंफर्म करना होगा। और हमारे मोबाइल में भी SMS आ गया कि भाई आपका पैसा काट लिया गया है। तो चलिए हम चलते हैं अपने ईमेल के ऊपर, सिंपली हम लोग यहाँ पर अपना इनबॉक्स चेक करके देखते हैं।
तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि दो ईमेल मुझे प्राप्त हुआ है, एक हुआ है हमारा पेपाल के तरफ से और एक हुआ है हमारा इन्वेटो मार्केट के तरफ से। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पे हम परचेज वाला ईमेल को यहाँ पे हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं आपको कुछ इस तरह का यहां पे इंटरफेस मिल जाता है और यहां पे दोस्तों आपको परचेज कोड वगैरह भी मिल जाता है यहां पे आप देख सकते हैं। और मुझे यहां पे $50 पेमेंट करना पड़ा। तो सिंपली दोस्तों यहां पे आप जा सकते हैं माय डाउनलोड के ऊपर क्लिक करके आप लोग अपने डाउनलोड के पेज के ऊपर जा सकते हैं और अपने थीम को आप बहुत ही आसानी के साथ यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि फ्रेंड यहां पे आप देख रहे हैं कि हमारा जो है ये थीम यहां पे बाय हो चुका है और यहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और इस थीम को यहां से इंस्टॉल करने का प्रोसेस भी आप देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर डाउनलोड बटन के ऊपर करते हैं क्लिक और डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। यहाँ से आप लोग लाइसेंस सर्टिफिकेट कोड वगैरह भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, सिंपली दोस्तों अभी हम टोटल का टोटल फाइल यहां पे डाउनलोड करेंगे। यहां पे दोस्तों हम लोग ऑल फाइल के ऊपर जाएंगे। जैसे ही दोस्तों हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा जो यहां पे फाइल आप देख रहे हैं ये फाइल यहां पे डाउनलोड हो रहा है और इस फाइल का जो साइज है लगभग 31 MB है। चलिए हम डाउनलोड होने देते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पे इस फाइल के बारे में बताते हैं कि इस फाइल को कैसे कहाँ से यूज करना है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। चलिए हम इसे यहाँ पे व्यू कर लेते हैं, व्यू फोल्डर, और इस फाइल को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम लोग यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करेंगे। ठीक है, इसका नाम रखेंगे हम लोग न्यूज़ मैग। ठीक है, सिंपली हम लोग इसे यहाँ पे ओपन करते हैं और यहाँ पे दोस्तों हमने पेस्ट कर दिया। अब हम लोग इस फाइल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं ये फाइल हो चुका है। अब सिंपली यहाँ पे आपको मिल जाता है सब कुछ। यहाँ पे दोस्तों आपको ये थीम मिलता है और यहाँ पे आपको चेंजेस फाइल आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, आपको यहाँ पे प्लगिंग मिल रहा है, लाइसेंस मिल रहा है, डेमो मिल रहा है, कोड मिल रहा है। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि यहाँ पे आपको सारा कुछ मिल गया है। अब आप लोग अपने साइट के ऊपर इस थीम को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस थीम का किस तरह से आप लोग यूज़ करेंगे, कैसे अपने वर्डप्रेस में से इंस्टॉल करेंगे, और साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस थीम को आप लोग किस तरह से कस्टमाइज़ करेंगे जो कि दोस्तों आपका साइट खूबसूरत ब्यूटीफुल देखने को लगे। तो फाइनली फ्रेंड आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें। इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।